शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। देव जी, क्या हाल है आपका? मैं इनको भी ऐड करती हूँ। देव जी, क्या हाल है आपका? हेलो। हेलो हाँ शाहिद भाई, आप जी, म्यूट पे हैं। हाँ शाहिद जी, आप म्यूट पे हैं। जी जी बोले बोले। हाँ आवाज आ रही मेरी? अच्छा, पहले ठीक शाहिद जी आप बात करें, फिर हम देव जी से भी बात करेंगे एक एक करके, ठीक है? हो गया। जी बोले। महालीज, मैं पूछना ये चाहता हूँ आपसे, ये जो आप जी इधर बैठकर बड़े बताती हैं हमें कि पाकिस्तान में ये हो गया, वो मिस सुल्तान चली गई हैं, तो वो मेरे उनके लिए मेरा एक जवाब था। मिस जो जो रिपोर्ट होते हैं ना, उनकी सजाएं भी उन लोगों को मिली हैं। उसके हिसाब से मैं 10,000 मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन अभी एक दे देता हूँ। वो जैनब के कसूर वाला, वो लड़के को बांसी हो गई थी, एक हो गया। दूसरा, अभी आप यहाँ बैठकर, ये तीन खवातीन बैठकर आप बड़ी जोरों शोर से बताती हैं हमें कि पाकिस्तान में ये हो गया था, पाकिस्तान में वो हो गया। इसका कोई हल भी तो होना, आप कोई हल तो बताती नहीं, इसका हल भी हल तो है ना? बताएं ना नहीं, क्या। हल है ना। आप लोगों की थिंकिंग, आप जैसे यहाँ आकर आके शुरू हो गए ना कि आप लोग यूं क्यों कर रही हो, तो यूं क्यों कर रही हो। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने दोस्तों यारों में ये बात करनी चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी औरतें क्यों नहीं आती हैं और आवाज उठाती हैं। ये आप लोगों की मेंटेलिटी, आप मर्दों की जब तक मेंटेलिटी नहीं चेंज होगी ना, तब तक ये चीज नहीं होगी। जैनब के कातिल को फांसी दे दी, उसके बाद बंद हो गए क्या केसेस? फांसी देने से सॉल्यूशन हो मुझे ये गई? देखने नहीं के हुआ ना? लिए ऐसे नहीं तो नहीं, नहीं ऐसे ना होगा करें ना ना। ना ना ना। नहीं, बात नहीं ये है नहीं कि ये आप क्या बंद बात कैसे हुई? करो। आपने खुद ही पूछा ना नहीं सोल्यूशन, नहीं 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 आपने ना खुद ही ना, पूछा ये सोल्यूशन। तो मुझे आप मैं एक बात सही बताएं कि आपका माशरा एक क्या कहते हैं, हैंग होने से, फांसी पे चढ़ने से भी नहीं डर रहा है। एक्चुअली जैनब के बाद तो और ज्यादा केसेस आए हैं जो हाईलाइट हुए हैं। तो कुछ ना हाँ कुछ तो बिल्कुल आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है ना, ये माशरे जी में जी प्रॉब्लम चल रही है। माशरे में प्रॉब्लम हाँ ये है कि आपके माशरे में फ्रस्ट्रेशन बहुत है। लोगों को 20-20, 25-25 साल तक आपने कहा हुआ है कि आप सेक्स नहीं करोगे, आप जो जब तक शादी नहीं होगी तब तक सेक्स नहीं करोगे। तो जब इस तरीके का आप माशरा सेग्रीगेटेड कर दोगे, औरतों को एक तरफ, मर्दों को एक तरफ, तो ये तो होगा ही। बीच में सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन आपकी आवाम में टॉप पे चल रही है, और ये इंडिया में भी है। मैं आपको सिर्फ आपका पाकिस्तान की बात मतलब नहीं है कर रहे हैं। कि बच्चों को इजाजत दे दें सेक्स करने की? बच्चों को इजाजत देनी चाहिए जब वो एक एज में आ जाएं कि वो अपना पार्टनर चुने, डेट करें, और अगर हाँ वो बालिग हैं और वो करना चाहते हैं तो उनको करने दें। ये एक हाँ, तो उनकी आपकी, शादी हो जाती है, उनकी शादी कर देते हैं जब एज हो जाती है, तो फिर शादी अच्छा कर देते हैं। ये बताएं, आपने बोला सेक्स की इजाजत दे दे, तो आपकी नजर में शायद भी सेक्स बुरी चीज़ है क्या? यार वो देख गुजार भाई, भैया बात इस तरह है कि यार सर मैं दो दो में जवाब पकड़ेंगे नहीं दे सकता, एक की शायद बारी एक दूंगा, उसके बाद आप कीजिएगा। मैं बैठा हूँ, जवाब जरूर दूंगा, मैं जी। हाँ दे ना, भागूंगा आप नहीं, जवाब दूंगा। नहीं, बताइए ना। आपसे एक सिंपल वो सवाल मिस महलीज पूछा ने जो है। यार, एक तुम बीच ओके, में डिस्टर्ब बड़ा करते हो, अभी बोलने नहीं सवाल देते बात। पूछे, सवाल सिंपल पूछा है, आपकी नजर में सेक्स बुरी चीज है यार? सिंपल जवाब नहीं, सवाल अच्छी में। चीज है आपकी, आप बता दो, अच्छी चीज है यार? ये जाति मामला तो है बिल्कुल, लेडी का भी और मर्द का भी। शाहिद जी देखिए, हम सभी किस वजह से हम पैदा होते हैं, क्या करते हैं तो हम पैदा होते हैं। सेक्स किया तो ही हाँ, तो पैदा मैं हुए कह ना, रहा, मैं कब तो मैंने बुरी कब चीज कहा है? कैसे हो मैंने गई कहा है? है कि जाति मामला है, मर्द का भी औरत का भी, वो जाति जिसके मामला है, चाहे एक जिस मिनट, आप जाति मामला है तो आपने बोला है सेक्स की इजाजत दे दें, ये वर्ड क्यों यूज किया इजाजत का, जब अगर जाति मामला है? शायद भाई ऐसे नहीं चलता, ओ मेरी आपने जान बोला गुजार भाई, मेरी मेरे प्यारे जान भाई आप ही हैं, गुजार, आप और यार सुने, जवाब तो ले आप लो अपनी बात जी। में खुद कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। आपने बोला सेक्स की इजाजत दे दें, आप बोल रहे हैं सेक्स पर्सनल चीज है, तो फिर इजाजत तो पर्सनल चीज की नहीं दी जाती जी। चलो शायद जी, मेरा एक पॉइंट जी है, जी सर। मैं बीच में बोल गया, सॉरी। नहीं नहीं बोले ये बोले इजाजत देना जो उसका नहीं है कि किसी ने इजाजत दी या नहीं दी, इशू ये है कि विदाउट इजाजत किसी ने जबरदस्ती की, उसका पॉइंट है। वो तो एक जानवरों हाँ की तरह हो बिल्कुल गया ना, ठीक ठीक है ना, वो तो जानवरों का हो सर। गया, उसमें तो ना लड़की मैंने भी जो है ना लड़के, ठीक है ना, तो सर ये मैंने उस चीज सबसे की बात पहले जो होती है। बात की है ना, वो इसी पर की है कि अगर जबरदस्ती है तो उसकी सजा भी तो देखे प्रॉब्लम ना, तो यही है फांसी ना की कि सजा है प्रॉब्लम तो यही पाकिस्तान है, में। जबरदस्ती जबरदस्ती तो हो जाती है, उसके बाद लड़की के बारे में
बोल दिया जाता है कि भैया तू गई थी और तेरा कारण हुआ होगा, ये हमारे सिस्टम में खराबी है ना, पॉइंट तो यही है। ये मैं मानूंगा, जो बात मानने वाली है वो मैं मानूंगा। आप ये हमारे सिस्टम का खराबी है, हमें करनी चाहिए बात में, ये वो पहले बात हो रही थी, मैंने उस पर सिर्फ एक मिसाल दी है कि वो अगर जब केस वो लड़का हमारे इधर पकड़ा गया था तो उसको फांसी हो गई थी, इधर तो पाकिस्तान में बकायदा मूवमेंट चली थी तो उसको सरेआम फांसी दी जाए। यार तुम्हें पता नहीं यार, तुम्हें मेरी एक मिनट दे भाई, एक मिनट गुलजार मेरे भाई, प्यारे भाई यार, मैंने तुम्हारा कुछ देना है यार, मुझे बात करनी है। आप बड़ी मेहरबानी जनाब, मैं म्यूट करता हूँ आपकी मोहब्बत में, मैं म्यूट पर रहूंगा, ठीक है। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। बात सिर्फ सर इस तरह है कि अगर गलत हो रहा है तो सही भी हो रहा है। अभी अब मैं उनसे सवाल कर रहा था, महलीज से बात हो रही है तो उन्होंने बातों में एक बात की है, मैंने उसका जवाब दिया कि आप इसका क्या मतलब है कि बच्चों को इजाजत दे दें। नहीं 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 शायद जी, यहाँ पे गलती है आपने, ये एक तो गड़बड़ है। एक मिनट यार, ओ यार, अगर आप सॉल्यूशन एक सेकंड सुनिए, आपने पूछा उनसे कि सॉल्यूशन क्या है, गड़बड़ कहाँ है। गड़बड़ यहाँ है कि आप बचपन से ही, पहले दिन से ही हम उनके लड़का और लड़की को अलग रखते हैं, उनको पता ही नहीं आपस में बिहेव कैसे करना है, ठीक है, और ना सिखाया जाता है बचपन से कोएड स्कूल में, जहाँ पे इकट्ठे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि लड़की के साथ कैसे बात करनी है और लड़के के साथ कैसे बात करनी है। और यहाँ पे क्या है कि लड़के और लड़की दोनों एक दूसरे से अलग है, लड़कों को पता ही नहीं है कि इस लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना है, बात तो वही आ रही है। नहीं बात वही नहीं आ रही, बात वैसे नहीं रही सर, अब सोशल मीडिया बड़ा एडवांस हो गया है, बड़ी बहुत दूर तक बातें चली गई हैं, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है जी। मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ? बिरला भतीजी मेरी, आप तो भतीजी हो मेरी, करें बात। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ये तो बता दिया कि कितने लोगों को सजा मिली है, आप मुझे बता सकते हैं कि कितने लोगों को सजा नहीं मिली है? अच्छा, कितने लोगों को सजा नहीं मिली है, मिस जो रिपोर्ट हुआ है उसकी सजा मिल गई है, जो रिपोर्ट नहीं हुआ उसकी सजा नहीं मिली। आप ये क्या बात कर रही है? आ रही है आवाज गुलजार आ रही है उनकी आवाज, वो म्यूट पे नहीं है, आप म्यूट पर हैं? नहीं नहीं मेरी आवाज आ रही है सर, मैं म्यूट पर नहीं हूँ। सब बातें बोलते चले गए तो दोस्तों, अभी जब तक मैं ही बोल लेता हूँ, या चले देव साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे, आप आए हैं कॉल पर। सर ऐसे था जी, देव जी आप कुछ बोलेंगे? मानना ये है लाइक जैसे मैं बता रहा हूँ कि इंडिया में आप कुछ बोलना चाहेंगे। गुलजार आपको आवाज नहीं आ रही किसी की भी। हेलो गुलजार, दोस्तों कमेंट में बताइए आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज शायद आपके पास नहीं जा रही। अच्छा गुलजार भाई आवाज आ रही है आपको? नहीं नहीं आ रही है उनको नहीं आ रही, आवाज आ रही है। देव जी आपकी शायद जी आ रही है, आप बात करें। अच्छा मेरी बात मेरा मैली मेरा एक पॉइंट था कि मैंने मेरे जो स्टडी है जहाँ मैं जो एनालिसिस कर रहा, मैं तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा, मेरे को नहीं पता पाकिस्तान या किसी और कंट्री में क्या है, मैं अपनी कंट्री के बारे में बात करूँगा कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, बट गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ वहाँ है जहाँ पे अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा है, लाइक यूपी बिहार जहाँ पे एजुकेशन का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जैसे मैं चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, ठीक है, चंडीगढ़ में मेरे को नहीं याद आ रहा कि इतने सालों में 10-12 साल 20 साल में कोई शायद एक दो इंसिडेंट हुए होंगे, और इंसिडेंट हुए भी हैं तो लड़कियों ने पकड़ के खुद ही पीट दिया, यहाँ पे तो लड़कियां इस लेवल की हैं, ठीक है। और शायद सेम पैटर्न जो है मेरे को बॉम्बे में भी दिखा है, मैं बॉम्बे जाता रहता हूँ, वहाँ पे भी यही है, लड़कियां वहाँ पे 12-12 1-1 बजे जॉब से आती हैं, मजा ला कोई हाँ कोई बहुत ज्यादा बाहर से लोग आए हों अलग बात है, और मेरे को जो माहौल दिखा है वो यूपी बिहार इस एरिया में जहाँ दिखा है, जहाँ पे एजुकेशन का लेवल जो है बहुत ही लो है, और एजुकेशन ही है जो कनाडा जहाँ यूरोपियन कंट्रीज को, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पहले नहीं था, पर उन्होंने एक लॉ को बनाया, लॉ सिस्टम को बनाया, उन चीजों को
कंट्रोल किया है, आज की डेट में वो डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं। और इंडिया में एजुकेशन का ही सिस्टम है, जहाँ जहाँ एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें जो है कंट्रोल में है। बट ये नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं लोग है, माइंडसेट आया था 200-300-400 साल से जो माइंडसेट है वो इतनी जल्दी चेंज तो होगा नहीं, बट एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव कर रहा है। और आई थिंक जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड बचपन का दोस्त है, उनके फादर ने उनकी दोनों सिस्टर की मैरिज की शायद 16 या 17 साल की एज में, कि नहीं टेंथ हो गया अभी मोर दर आपका खत्म हो गया मैरिज कर दो। नाउ मेरे फ्रेंड का जनरेशन गैप कैसे आ रहा है, मेरे फ्रेंड ने अभी तक वो बीटेक और एमटेक कर चुके हैं और नाउ दे आर तीनों लड़कियां अलग अलग कंट्रीज में पढ़ने के लिए जा रही हैं। ये ट्रांजिशन, ये जो जनरेशन गैप है वो अलग अलग है। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि तेरे फादर ने तो करने नहीं दिया, कहते तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। मैंने जिस दिन उनको फ्लाइट चढ़ा दी जब चले गए तो सोच लूंगा कि भैया उनकी मैरिज होगी, अब वो जाके अपने किसी भी इतना पढ़ लिख गई है अपने आप संभाल लेंगी। बट एट द सेम टाइम जहाँ पे अनपढ़ है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, वो तो आज भी नहीं निकलने देते लड़कियों को, और वहीं पे रेप और सबसे ज्यादा वहीं चीजें इशू हो रही है। और आई थिंक पाकिस्तान में भी शायद इसी का रीजन है कि एजुकेशन लेवल जो है उतना नहीं है, और मेरे ख्याल से शायद कराची जैसी जगह में नहीं होता होगा क्योंकि वहां पे एजुकेशन थोड़ी बेटर है। अच्छा अब शायद जी देखिए जी हाँ, वरना हम सर्कल में ही चल रहे हैं। मैं लास्ट बात करूंगा। मेरा मौका अभी ये है कि अब पाकिस्तान में भी बड़ा बदलाव आ गया है, उधर बैठकर बस बातें करते रहना वहाँ बाहर नहीं निकल सकते। इधर मान लीजिए आगे बात की है, एक मिनट सिर्फ, मैं लास्ट है, मैं इसके बाद बात चुप कर जाऊंगा। अभी आपने बात की थी कि लेडीज से पूछें अपनी लेडी, और मिस इधर लेडीज से पूछेंगे ना तो वो बताएगी तो खून की नदियां बह जाती हैं। इधर आप तो पाकिस्तानी हैं, आपको नहीं पता हमारे माचरे का, इधर तो बंदे कत्ल हो जाते हैं ऐसी बातों पर। तो आप कह रहे बदलाव आ गया, बड़ी अच्छी बात की आपने शायद जी, आपके माशरा यही माशरा सुधारने के लिए हम बात कर रहे हैं। ओह मैडम, और मिसाल ने बात की, उस बात का जवाब दिया है। चले ठीक है, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे शायद भाई, आपसे बात आ गई आपकी, शुक्रिया आने का। अच्छा देव जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, लास्ट पॉइंट आपका भी मैं ले लूं। मेरा बस यही था, क्योंकि मैं आपके ये इन चीजों के ऊपर मेरा ये है कि जो जितना हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे अपने आप ये समझ, गलत और सही की समझ अपने आप बनती है। और ये जो रेप होना या नहीं होना, ये मतलब मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि भाई इसमें रिलीजन तो कहीं नहीं आता, जहाँ ना ही कोई सोसाइटी या कुछ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसको कितनी समझ है। अभी दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ था वो कौन लोग थे, वो सिंपल लेबर क्लास के ड्राइवर और ये लेवल के लोग थे, और उनको पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। और दिल्ली में एजिटेशन होती है, दिल्ली में लोग उठ के बाहर आए थे, पर वही यूपी बिहार में लड़कियां हैंग कर देते हैं, रेप करके मार देते हैं, वहां पे कुछ नहीं होता। फिर वहां पे वहीं के गांव के लोग ही उल्टा केस बनाते हैं कि हमारे सोसाइटी के अगेंस्ट ये इशू बनाया जा रहा है। ये एरिया टू एरिया, क्योंकि दिल्ली में लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे है, तो उन्होंने एजिटेशन कर ली, पर दूसरे यूपी में मार दिया तो वहां पे दूसरा कल्चर वाइज कर लिया कि हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट एक ये बनाया गया, माहौल बनाया गया। तो ये आई थिंक एजुकेशन से ही होगा। जैसे आप यूरोपियन आपके कह रहे हैं कि कनाडा में, आप भी देख लिए, एग्जांपल आप हैं, आप भी तो पाकिस्तान से आए हैं, आपने माहौल देखा, आपने पढ़े लिखा, आप खुद कह रहे हैं कि मैं ठीक है बिकनी में बैठती हूँ, यहाँ पे कोई नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि वहां पे लोग इस कल्चर में रह रहे हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता, तो जिन लोगों ने देखा ही कुछ नहीं होगा उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। आप जो रिलीजन की बात कर रहे हो ना, तो रिलीजन में रिलीजन तब आ जाता है जबकि
जो शादीशुदा लोगों जो औरतें होती है ना उनपे जो मैरिटल रेप होता है, कि यहाँ पर आप अपनी बंदी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, मगर पाकिस्तान और इंडिया में बंदी के ऊपर चढ़ जाओ अपनी मर्जी से, अगर उसकी मर्जी हो या ना हो, तो वहाँ पे कोई मैरिटल रेप का सिस्टम नहीं है। आई डोंट नो टू मच अबाउट इंडिया, मगर मुझे ये पता है पाकिस्तान में कितनी औरतें हैं उनसे जबरदस्ती की जाती है, उनके हस्बैंड करते और वो कंप्लेन भी नहीं करती हैं। तो जब हम रेप के सॉरी जिनसी ज्यादती के ये काउंट करते हैं ना नंबर्स, तो उसमें वो भी आते हैं यहाँ पर जो। नहीं, आई नो, आई एग्री विद यू, आई हाँ, एग्री विद थैंक यू सो मच देव जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।